क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप चलाने के लिए जिस बिजली का उपयोग होता है, उसका भी कभी आविष्कार हुआ था? यह कभी इतना सरल नहीं था कि बस खंबे लगाएं, उस पर तार जोड़ें और बिजली आ जाए। इसके पीछे भी काफी रोचक इतिहास है, और यह ऐतिहासिक कहानी निकोला टेस्ला के जन्म से शुरू होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही लंबी और साहसिक कहानी है, और इसी कहानी की वजह से आज हमारे कंप्यूटर और घरेलू उपकरण बिजली से चल पा रहे हैं। कहानी की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 1856 को, जब आधी रात को एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान क्रोशिया के स्मिलजन गांव में आया। तब रेवरेंड मिलिटन टेस्ला की पत्नी दिजुका ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया निकोला। उस समय वह दाई जिसने बच्चा पैदा करने में मदद की थी, वह उस तूफान से इतना ज्यादा डर गई कि उसने इस बच्चे को एक उपनाम दिया, तूफान का बेटा। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे जैसे निकोला बड़ा होगा, वह तूफान जैसी ही बिजली बना देगा। बचपन से ही निकोला का बिजली के रहस्यों के प्रति आकर्षण रहा है। ऐसा बताया जाता है कि जब वह सिर्फ 3 साल के थे, तब उन्होंने उनका पहला विद्युत प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बिल्ली माचक का इस्तेमाल किया था, जिसके फर को रगड़कर निकोला ने चिंगारी नुमा बिजली पैदा की थी। बहुत से लोगों ने निकोला को उनके बचपन में यह कहते हुए सुना है कि यह पर्यावरण भी एक बिल्ली की तरह है। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने उस बिल्ली के फर से निकलती हुई छोटी चिंगारियों की तुलना बड़ी बिजली से की थी। वे कहते थे जिस तरह से वह अपनी बिल्ली के फर को रगड़कर चिंगारी नुमा बिजली पैदा करते हैं, उसी तरह से कोई तो है जो पर्यावरण की पीठ को रगड़ रहा है, या फिर वो सिर्फ भगवान ही है। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सालों के बाद भी टेस्ला को ये सारी बातें याद थीं, और फिर उनके दिमाग में यह सवाल उमड़ना शुरू हो गया था कि बिजली आखिर है क्या। टेस्ला के जन्म के 80 साल के बाद भी वैज्ञानिकों को यह नहीं पता लग पाया था कि बिजली आखिर है क्या। टेस्ला ने रॉयल जिम्नेजियम ऑफ क्रोशियन सिटी ऑफ कार्लस्टाड से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और उसके बाद वह पॉलिटेक्निक ऑफ ग्राज में पढ़ने चले गए, और फिर उन्होंने प्राग के विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने विद्युत और चुंबकीय मशीनरी के साथ एक वैज्ञानिक जुनून विकसित कर लिया था। वह बूडापेस्ट में शिफ्ट हुए और उनके पिता की भी तब मृत्यु हुई। उसके बाद टेस्ला ने अपने पहले प्रोजेक्ट अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज इंडक्शन मोटर के डिजाइन की कल्पना करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट लोमस ने टेस्ला की इस मशीन के बारे में टेस्ला की बायोग्राफी में बताया है, जिसका नाम है द मैन हु इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी। पानी का पंप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पवन चक्की और ऐसे न जाने कितनी ही मशीनें जिसमें मोटर की जरूरत होती है, वह कभी नहीं बन पाती अगर इंडक्शन मोटर का आविष्कार ना हुआ होता। और यह सब संभव किया निकोला टेस्ला ने। आज मशीनों की वजह से हमारा जीवन एक आरामदायक जीवन बना है, और इसके पीछे इंडक्शन मोटर का बहुत बड़ा हाथ है। किसी ने भी इससे पहले अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन मोटर नहीं बनाई थी। जब दूसरे इंजीनियर ने इसे बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने यह पाया कि चुंबकीय क्षेत्र जो कि अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, वह हमेशा एक सा रहता है, और इसी वजह से वह मोटर को नहीं चला पाते थे,
और जैसे ही करंट अपनी दिशा बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है और मोटर रुक जाती है। टेस्ला ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दो अलग अलग अल्टरनेटिंग करंट लिए, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते थे। उसी तरह से जैसे एक कैटरपिलर एक एक कदम आगे बढ़ा के चलता है, तब चुंबकीय क्षेत्र मोटर के रोटेटिंग शाफ्ट को दिशा बदलने के लिए सहयोग करते हैं। दो करंट के इस्तेमाल से टेस्ला हमेशा निश्चिंत रहते थे कि दोनों में से एक करंट मोटर को हमेशा चालू रखेगा, और जब एक करंट खत्म हो जाता था तो दूसरा मोटर को चालू रखने में सहायता करता था। चुंबकीय क्षेत्र घूमता रहेगा और उसके साथ साथ मोटर भी चलती रहेगी, और ऐसा करने के लिए बिजली के कनेक्शन को शाफ्ट से जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बुडापेस्ट छोड़ने के बाद टेस्ला पेरिस चले गए, जहां पर वह थॉमस एल्वा एडिसन की एक कंपनी में काम करने लगे। ये वही थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने कार्बन फिलामेंट लैंप का आविष्कार किया था और जिन्होंने डायरेक्ट करंट को घरेलू उपयोग के लिए जांचा भी था। दरअसल एडिसन ने कोई आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उनके तकनीकी अंतर्ज्ञान का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था जिससे कि वह इलेक्ट्रिकल लैंप और कार्बन फिलामेंट लैंप को सुधार सकें। इनको ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने बनाया था, लेकिन स्वान के जो लैंप थे वह कुछ मिनट जलने के बाद राख हो जाते थे। अपने लैंप को बनाने के लिए स्वान एक कागज को कार्बन में लपेटते थे और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते थे, और ऐसा वह एक कांच के बल्ब के अंदर करते थे जिसमें हवा नहीं होती थी। 1880 में एडिसन ने स्वान के आविष्कार को सुधारने की कोशिश की और अलग अलग सामग्री से फिलामेंट बनाए और अलग अलग प्रकार के कांच से बल्ब बनाए और अलग अलग तरीके की गैस को बल्ब के अंदर डाला, और इस तरह से एडिसन ने जो फिलामेंट लैंप बनाया वो 40 घंटे तक जल सकता था, और इसीलिए एडिसन की तकनीकी उपलब्धि इतिहास में आ गई। और 1882 में एडिसन ने उनका पहला पावर प्लांट पाल रोड न्यूयॉर्क सिटी में शुरू किया, जहां पर उन्होंने 80 ग्राहकों को 800 लैंप जलाने के लिए बिजली उपलब्ध करवाई, और इस तरह से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। यह वह समय था जब बिजली के ऊपर शोध चल रहे थे और लोग बिना बिजली के अपना जीवन चलाते थे, और यह इनकी रोजमर्रा की दिनचर्या की आदत बन चुकी थी। लेकिन आज बिजली ने हमारी आदतों को 100% बदल दिया है। टेस्ला पेरिस इसलिए आए क्योंकि वे अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहां उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने टेस्ला को काफी परेशान किया, और बाद में यही परेशानी बिजली के आविष्कार का कारण बनी। जब टेस्ला बुडापेस्ट से पेरिस आए, तब उन्होंने सोचा कि एडिसन उनकी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिकल मोटर्स के ऊपर शोध में मदद करेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा था कि वह बिजली के संचरण में क्रांति ला सकेंगे, जो तब तक नहीं हो पाया था। उस समय जिस डायरेक्ट करंट का एडिसन इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कुछ मूलभूत दोष थे, क्योंकि जो घर पावर प्लांट से काफी दूर होते थे उन तक बिजली नहीं पहुंच पाती थी। एडिसन का करंट ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाता था, क्योंकि ऊर्जा बिजली की तारों में ही खत्म हो जाती थी। टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट उच्च वोल्टेज में बदल जाता था। ऐसा तब होता था जब उसे लंबी दूरी तय करनी होती थी, और वह वापस से साधारण वोल्टेज में आ जाता था जब उसे साधारण इस्तेमाल करना होता था। ट्रांसफार्मर केवल अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करते हैं, और यही कारण है जिसने अल्टरनेटिंग करंट को इसका लाभ दिया। टेस्ला ने जिस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था उसने वह समस्या दूर कर दी थी जिसमें बिजली को दूरस्थ जगहों पर भेजना होता था। हालांकि टेस्ला के करंट को एडिसन के करंट से जीतने के लिए बहुत साल लग गए,
और बाद में इसे ही एक सर्वोच्च विद्युत संचरण का तकनीकी हल माना गया। टेस्ला को पहला मौका तब मिला था जब वह एक व्यापार यात्रा पर जर्मनी गए थे। कॉन्टिनेंटल एंडरसन ने जर्मन रेलवे को एक पावर प्लांट दिया था और स्ट्रासबर्ग के रेलवे स्टेशन को रोशन करने के लिए एक पूर्ण प्रणाली दी थी। हालांकि उद्घाटन समारोह के वक्त एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे एक धमाका हुआ जिसने दीवार को आधा तोड़ दिया था, और यह सब कैसर विलहम प्रथम के सामने हुआ जो कि उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। टेस्ला को स्ट्रासबर्ग भेजा गया था ताकि वह इस राजनयिक घटना की जांच कर सकें। उन्होंने संयंत्र के नवीनीकरण का काम किया और इस बीच 27 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी दुकान में अपना पहला मोटर प्रोटोटाइप बनाया। 1884 में इस उपलब्धि के बाद टेस्ला न्यूयॉर्क चले गए थे ताकि वह एडिसन से कुछ सीख सकें। ऐसा सोचा जा रहा था कि वह उस व्यक्ति के साथ अपने विद्युत सिद्धांत को साझा करेंगे जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। टेस्ला को लगने लगा था कि एंडरसन उनके प्रयोग को सहयोग देंगे, लेकिन वह सब एक मिथक था। और 2 साल के सहयोग के बाद दो आविष्कारकों के बीच एक व्यक्तिगत टकराव ने टेस्ला को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी से इस्तीफा दिया और अपना काम शुरू करने का सोचा, लेकिन इस समय तक भी टेस्ला वह बिजली नहीं बना पाए थे जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। सफर लंबा था और टेस्ला जैसा महान वैज्ञानिक अकेला था, लेकिन अभी भी टेस्ला के साथ बहुत कुछ होना बाकी था। 1887 तक टेस्ला ने सीवेज भी खोदे ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्चे चला सके, और जब उनको टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए प्रायोजक मिला और वह बहुमत शेयर धारक बने, तब उन्होंने सीवेज खोदने का काम बंद कर दिया। यह एक ऐसा दौर था जिसमें इस युवा युगोस्लाविया वैज्ञानिक ने बहुत सी रचनात्मकता दिखाई। इस अकेले वैज्ञानिक ने कम से कम 30 इलेक्ट्रिकल उपकरणों से संबंधित पेटेंट अपने खुद के नाम किए। 1888 में जब वह अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना भाषण दे रहे थे, तब टेस्ला ने अपने एक शोध के परिणाम बताए और आखिरकार वहीं पर उनको उस वैज्ञानिक समिति का साथ मिलना शुरू हुआ। हालांकि एक इंजीनियर के रूप में उनकी सफलता ने उनको वित्तीय बर्बादी के जोखिम से बचा लिया था, एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करना चालू रखा, और वहीं दूसरी तरफ टेस्ला के आविष्कारों को बदनाम करने के लिए एडिसन ने अपने सभी पत्ते खेलने शुरू कर दिए थे। एडिसन के विज्ञापनों में टेस्ला के बारे में ऐसा बताया जाता था कि टेस्ला के लेबोरेटरी में उच्च वोल्टेज के कारण कई घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, और तर्क दिया जाता था कि अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग करता 6 महीने के अंदर इन उपकरणों के इस्तेमाल से मर सकता है। एडिसन ने आवारा पशुओं पर उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के विनाशकारी प्रभावों को दिखाने के लिए पत्रकारों और जनता के सदस्यों के सामने बातचीत की एक श्रृंखला रखी और कहा कि यह आवारा पशुओं के लिए खतरा है। ऐसे प्रस्तुतिकरणों के समय एडिसन के सहायक आवारा कुत्तों और बिल्लियों को किसी भी विद्युतीकृत बर्तनों की तरफ धकेल देते थे ताकि वह यह दिखा सकें कि किस तरह से इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट घरों के लिए खतरनाक है। उस समय अमेरिका मृत्यु दंड देने के लिए एक नया तरीका खोज रहा था। वह फांसी की सजा को किसी दूसरे तरीके से बदलना चाहता था। न्यूयॉर्क राज्य ने एक कमिटी बनाई जिसके अध्यक्ष थे हेराल्ड ब्राउन। ये बिजली के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे और उन्होंने एडिसन लेबोरेटरी में एक असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया था और एडिसन के साथ जानवरों पर बहुत से सार्वजनिक प्रयोग भी किए थे। यह वह प्रयोग थे जिसमें इन्होंने बिजली के द्वारा मौत दिए जाने से संबंधित कई कार्य किए थे और जिसमें उन्होंने बड़े कुत्तों और घोड़ों से शुरुआत की थी। ऐसा तब तक चला जब तक न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने एक कानून पास नहीं कर दिया जिसमें फांसी के लिए लटकाए जाने को बिजली की कुर्सी से बदल दिया गया।
उसके बाद अखबारों में ऐसे लेख छपने शुरू हो गए जिसमें मुजरिमों को मारने के लिए अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल के बारे में बताया जाने लगा। इस तरह की सजा को देने के लिए मुजरिम के हाथ और पैरों को कुर्सी से बांध दिया जाता था और उन पर बिजली के तार लपेट दिए जाते थे और एक मेटल बैंड मुजरिम के सर पे बांध दिया जाता था और कुछ धातु की प्लेटें टांगों में लगा दी जाती थी जिस पर पोटाश का पानी चढ़ा दिया जाता था। यह सब विद्युत के संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। जैसे ही करंट चालू होता था मुजरिम उसी समय मर जाता था क्योंकि मांसपेशियों में एक तरीके का हिंसक संकुचन आ जाता था और इस वजह से बिना किसी शारीरिक पीड़ा के मुजरिम की मौत हो जाती थी। 6 अगस्त 1890, विलियम केमलर, ये एक पहले ऐसे इंसान थे जिनको बिजली की कुर्सी पर सजा दी गई थी। हालांकि उस समय इस बात का कोई गवाह नहीं था जो इस तरह की तेज और दर्द रहित मौत को देख सके, जैसा कि एडिसन और ब्राउन ने बताया था। विलियम केमलर को जो करंट दिया जा रहा था वह काफी कमजोर था, इसलिए केमलर का शरीर कुछ 20 मिनट तक अकड़ा रहा और जब करंट को बंद किया गया उसके बाद भी वह इंसान जिंदा था, लेकिन निश्चित रूप से उसे मारने के लिए एक और इलेक्ट्रोल्यूशन करना आवश्यक था। इस समय तक एडिसन ने अपने सारे पत्ते खोल दिए थे और वह खुलेआम टेस्ला की बुराई करने पर आ गए थे। अब एडिसन के पास एक ही लक्ष्य था कि टेस्ला को किस तरह से बाजार से बाहर किया जाए। टेस्ला अच्छा सोच सकते थे, अच्छी मशीनें बना सकते थे, लेकिन वह इस बात में कमजोर थे कि किस तरह से बाजार में अपनी पहचान बनानी है। लेकिन अब समय धीरे धीरे टेस्ला के पक्ष में भी हो रहा था क्योंकि टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट लोगों की नजरों में आना शुरू हो चुका था और जिसके लिए कहीं दूर से बिजली को लेकर आने की जरूरत भी नहीं थी। कहते हैं इतिहास अपने आप को कभी ना कभी दोहराता है और टेस्ला के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब टेस्ला ने बिजली को जांचने के लिए अपने खुद के ऊपर प्रयोग किए, यह वैसा ही प्रयोग था जो एलिजेंड्रो वोल्टा ने 100 साल पहले किया था। और दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट और मौत के बीच का संबंध मजबूत होता जा रहा था क्योंकि टेस्ला की बिजली का नकारात्मक प्रचार हो रहा था। तभी टेस्ला के जीवन में कुछ नया हुआ जब एक माइनिंग कंपनी जो कंगाली के कगार पर पहुंच चुकी थी उसने यह निश्चय किया कि वह उसके औजारों को चलाने के लिए बिजली से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करेगी। सैन मिगुएल नदी क्षेत्र की सभी खनन कंपनियों को बिजली की लगभग असीमित आपूर्ति प्रदान कर सकती थी, लेकिन वह उस खदान से 4 किलोमीटर दूर थी। यह टेस्ला की मशीनों के लिए एक अवसर से कम नहीं था जब टेस्ला ये साबित कर सकते थे कि उनका अल्टरनेटिंग करंट कितने काम का है। इसके लिए कहीं दूर से बिजली को लेकर आने की भी जरूरत नहीं थी और इसी कारण से अल्टरनेटिंग करंट का व्यापार होना शुरू हो गया। इस बीच टेस्ला ने अपने प्रयोग चालू रखे और टेस्ला कॉइल का पेटेंट करवाया जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में एक मील का पत्थर साबित हुई। टेस्ला की कोई सीमा नहीं थी, वह बहुत कुछ जानना और समझना चाहते थे और यही सब करते हुए टेस्ला ने एक बार अल्टरनेटिंग करंट का अपने खुद के ऊपर प्रयोग किया और इस परीक्षण की वजह से टेस्ला ने अनुमान लगाया कि घातक झटके वोल्टेज के कारण नहीं बल्कि विद्युत शक्ति की वजह से आते हैं। कभी कभी टेस्ला सन की और दूसरे वैज्ञानिकों की तरह अजीब व्यवहार भी करते थे और वह बिजली के डिस्चार्ज को अपने शरीर के माध्यम से गुजारना पसंद करते थे और वह भी बिजली के उच्च वोल्टेज पर। हालांकि उन्होंने ऐसी कम ही बिजली की धाराएं उत्पन्न की जो उनके लिए हानिकारक थी और इस तरह से टेस्ला अपने खुद के विज्ञापन प्रतिनिधि बन गए जहां उन्होंने प्रदर्शित किया कि अल्टरनेटिंग करंट इतना घातक नहीं था जितना कि एडिसन ने बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता था।
बिजली को अपने शरीर में दौड़ाने के अलावा भी टेस्ला ने कुछ और प्रयोग किए थे। जैसे टेस्ला अपने हाथ में एक बल्ब को पकड़ते थे और दूसरे हाथ में एक बिजली की तार को पकड़ते थे और इस तरह से वह उस बल्ब को जलाकर दिखाते थे। इस तरह से विद्युत प्रवाह टेस्ला के शरीर में फैल जाता था, लेकिन उनकी मांसपेशियों में करंट नहीं फैलता था। लेकिन टेस्ला इन सभी प्रयोगों को एक नियंत्रित माहौल में किया करते थे। रॉबर्ट लोमस ने भी टेस्ला की जीवनी में इसके बारे में बताया है। वह कहते हैं, यह असामान्य वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण टेस्ला की लेबोरेटरी में ही बन सकते हैं। ऐसा उन्होंने तब कहा जब वह टेस्ला के द्वारा एक खाने के आमंत्रण पर गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान टेस्ला ने एक काले रंग का लंबा कोट और एक सफेद शर्ट पहन रखी थी। कभी कभी वह रेशम से बना हुआ लंबा हैट भी पहना करते थे, जो उन्हें और भी लंबा दिखाता था। वे कभी ऊंची हील के बूट्स भी पहनते थे, जिससे वह 15 सेंटीमीटर और लंबे दिखाई पड़ते थे। अपने प्रयोगों के दौरान वह अपनी अंधकारमय प्रयोगशाला में चिंगारी और धुंध पैदा करते थे और इस तरह से वह एक भयावह दृश्य उत्पन्न करते जो प्रकाश के आधुनिक देवता के समान लगता था। धीरे धीरे न्यूयॉर्क के अखबारों ने आखिरकार अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर अपने ही फैलाए हुए झूठ से बाहर आके टेस्ला की फोटो पत्रिका में प्रकाशित करने की शुरुआत की। इनकी ज्यादातर फोटो में ऐसे आदमी को दिखाया जाता था जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और उसके लिए ऐसा लिखा जाता था, बिजली की आग की लपटें बनाने के बाद, बिजली से खुद को भरने के बाद और असंख्य आग की लपटों के आविष्कारक। हालांकि उस समय टेस्ला की महिमा ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। अपनी वित्तीय कठिनाइयों के चलते उनको अपने बहुत से पेटेंट को बेचना पड़ा था और जिनको खरीदा था वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। इस कंपनी के मालिक थे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। ये वो इंसान थे जिन्होंने टेस्ला के प्रयोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी और बदले में उनके पेटेंट्स खरीदे थे। इसके बाद टेस्ला के पास कुल $216,000 आ गए थे और टेस्ला ने अपने व्यापार पर ध्यान देने के बजाय यूरोप जाना ज्यादा उचित समझा। वहां पर उन्होंने बहुत सी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया और लंदन ब्रिटिश इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बहुत सी खोजों के बारे में बताया। इसके बाद वह पेरिस इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी गए और वहां भी उन्होंने अपने किए गए कई कार्यों के बारे में बताया। बाद में वे अपनी माँ के घर भी गए, लेकिन उनकी माँ पहले से ही मृत्युशैया पर थी। उसके बाद उनकी माँ कुछ ही दिनों तक जीवित रही। उनके अंतिम संस्कार के बाद टेस्ला काफी दुखी हुए और लगभग वे टूट गए थे। उनकी याददाश्त भी धीरे धीरे जाने लगी थी, जो कुछ समय के बाद वापस आ गई थी। अमेरिका वापस आने के बाद टेस्ला ने शिकागो वर्ल्ड फेयर की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। यह 1 मई 1893 की बात है और वहां पर उन्होंने अपना लाइटिंग सिस्टम दिखाया, जिसमें 9,66,290 कार्बन फिलामेंट लैंप थे और इसे बनाया गया था वेस्टिंग हाउस कंपनी के द्वारा, जिसके अंदर टेस्ला के बनाए हुए जनरेटर लगे हुए थे। उस दौरान टेस्ला ने मखमली मंच पर एक धातु का अंडा दिखाया। अल्टरनेटिंग करंट को लागू करने से अंडा एक ही स्थिति में घूमता रहता था। इस आविष्कार को देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने एक हैट पहना है, एक लंबा कोट पहना है और रबर बूट्स भी पहने हैं, हजारों वोल्ट का करंट अपने शरीर में से जाने दे रहा है और अपनी उंगलियों की एक चुटकी से वह दूसरा लैंप भी जला पा रहा है। और इस तरह की कई सफलतापूर्वक वैज्ञानिक खोजों के बाद टेस्ला ने नियाग्रा फॉल्स में इलेक्ट्रिकल टर्बाइन लगाए। उसके बाद वह वापस न्यूयॉर्क चले गए। यह समय था 1879 का और उस समय भी उन्होंने बिजली के साथ अपने प्रयोग चालू रखे। इन्होंने अपने दोस्त सैमुअल क्लीमेंस, जो कि मार्क ट्वेन किताब के लेखक थे, के लिए ऑसिलेटरी मशीन का निर्माण किया और उसके बाद भी इन्होंने इस मशीन के ऊपर प्रयोग करना जारी रखा
और एक ट्यूनिंग सर्किट का आविष्कार किया। ये अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें कि पूरी धरती पर बिना किसी तार के संदेश को भेजा जा सके, और हो सकता है कि मैं इसी तरह से बिजली को भी इधर से उधर भेज सकूं। 1893 में टेस्ला सेंट लुइस नेशनल इलेक्ट्रिक एसोसिएशन में थे और वहां पर वह एक लेक्चर दे रहे थे। टेस्ला विद्युत संकेतों के प्रसारण के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से हम विद्युत संकेतों को एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट कर सकते हैं, और उसके सिर्फ 3 सालों के बाद गुग्लियमो मार्कोनी ने रेडियो प्रसारण के ऊपर अपने प्रयोग चालू कर दिए थे। लेकिन यह टेस्ला ही थे जिनको आज के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जनक कहा जाता है। 14 मई 1895 में टेस्ला की लेबोरेटरी एक आग की भेंट चढ़ गई थी, जिसे टेस्ला ने बाद में सुधारा, और उस लेबोरेटरी को दोबारा बनाने के बाद टेस्ला ने वापस से अपने विद्युतीय कल्पनाओं के ऊपर काम करना शुरू किया। यह 1898 की बात है जब उन्होंने रेडियो से नियंत्रित की जा सकने वाली नाव के ऊपर प्रमाण दिया, जो कि उनकी एक और खोज थी। बिजली के रहस्यों को लेकर टेस्ला का जो प्रश्न था, उसने टेस्ला से बहुत अच्छे काम करवाए, जैसे कि कृत्रिम रोशनी जो 4 मिलियन वाट तक बिजली का निर्वहन करती थी। टेस्ला ने फिर धरती के वातावरण में यह भी पता लगाया कि यह एक बहुत बड़ा बिजली का कंडक्टर है, और इस तरह से पूरी धरती पर यह कम आवृत्ति के सिग्नल्स का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन इसमें इसको धरती के घुमाव की जरूरत पड़ेगी। अपनी जिंदगी के आखिर के कुछ सालों में टेस्ला ने ऊर्जा संचरण के सिद्धांतों के ऊपर ध्यान लगाया, और अगर हम उनके नोट्स की बात करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटी मशीन के बारे में बताया था, जो किसी भी दूरी पर इंटरस्टेलर स्पेस में काफ़ी ऊर्जा भेज सकती है। दुनिया को सबसे ज़रूरी तोहफा देने के बाद टेस्ला ने और भी बहुत से आविष्कार किए, और अमेरिकन सेनाओं की भी काफ़ी मदद की। टेस्ला ने अपने रेडियो रिमोट कंट्रोल के बारे में अमेरिकी सेना से बात की और बताया कि किस तरह से वह टॉरपीडो को रेडियो की तरंगों से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर प्रथम के समय यह आविष्कार भी काफी कम देशों की सेनाओं के पास था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह आविष्कार लगभग हर उस देश की सेना के पास था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। 5 जनवरी 1943, जब निकोला टेस्ला 87 साल के थे और वह मैनहट्टन के न्यूयॉर्कर होटल में रह रहे थे, तब उन्होंने अमरीकी बॉन्ड डिपार्टमेंट के कर्नल एस्काइन को फोन लगाया। उस समय उन्होंने कर्नल को बताया कि किस तरह से उन्होंने एक मशीन बनाई है जो किसी भी दूरी से ऊर्जा का संचार कर सकती है। उन दिनों टेस्ला इसी के ऊपर खोज कर रहे थे कि किस तरह से एक प्राकृतिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि हमारी धरती का वातावरण और जमीन है, जिससे हम विद्युत शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। और इस तरह से टेस्ला ने एक सपना देखा था कि दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत शक्ति को भेजा जा सके और कहीं पर भी बिजली की कमी ना रहे। टेस्ला ने अपनी खोजों के परिणामों को एस्काइन को बताने की पेशकश की। हालांकि कर्नल ने सोचा कि इस तरीके की बातें कोई पागल ही कर सकता है, और कर्नल ने टेस्ला को वापस फोन करने का वादा किया, लेकिन कभी फोन नहीं किया। उसी रात को टेस्ला अपने होटल के कमरे में सोने चले गए थे, और 3 दिन बाद होटल की वेट्रेस ने उनको उनके कमरे में मृत पाया। यह 8 जनवरी की सुबह की बात है। उसके बाद टेस्ला के काम और स्मृति को अमेरिका के खुफिया नेटवर्क द्वारा जांचा गया था, जिसने टेस्ला के सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया था। वह उसे एक युगोस्लाविया जासूस मानते थे। टेस्ला के काम और आविष्कार इस प्रकार टॉप सीक्रेट घोषित किए गए, और FBI के प्रमुख जे एडगर हूवर ने एक ज्ञापन संकलित किया जहाँ उन्होंने टेस्ला के बारे में किसी भी तरह के प्रचार से बचने के लिए पूर्ण गोपनीयता की सिफारिश की, और साथ में यह भी कहा कि टेस्ला के आविष्कारों के साथ साथ उनकी खोजों को भी गुप्त रखा जाए।
आज वह जानकारी अब राज नहीं रह गई है, लेकिन टेस्ला का नाम और काम अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। उनके काम के सभी अवशेष उन वस्तुओं और उपकरणों को जो टेस्ला के कमरे में थे जब उनकी मृत्यु हो गई, तो बेलग्रेड टेस्ला म्यूजियम में रखवाए गए, जिसे 1999 के नाटो बमबारी में भी बचा लिया गया था। टेस्ला की मृत्यु के 6 महीने बाद 21 जून 1943 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रेडियो प्रसारण का आविष्कारक युगोस्लावियन वैज्ञानिक ही था, ना कि गुग्लियमो मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो प्रसारण में सुधार किया था, उन्हें विकसित किया और टेस्ला के आधार पर बाजार में रखा। उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने उस जिज्ञासु लड़के की प्रतिभा को पहचाना, जिसने अपना सारा जीवन ईश्वर से रोशनी की चोरी करने की कोशिश में लगा दिया। आज बहुत ही कम आविष्कार ऐसे होंगे जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, और जितने भी नए आविष्कार होते हैं वह बिजली को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। और जब कभी बिजली किसी भी आविष्कार का भाग होती है, तब निकोला टेस्ला भी इस आविष्कार का भाग होते हैं। जिस तरह से बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, इसी तरह से बिना निकोला टेस्ला के भी बिजली की कल्पना करना मुश्किल है।